दे दिया गया, जिस वजह से ग्राम पंचायत से उसे कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी मैं देखो सरपंच से मिला, सचिव से मिला, गौरव से मिला, हर चीज ग्राम पंचायत गया, तो मेरा तो ये हुआ, मेरे को ये बोले कि हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा कुछ दिन, और मैं इसको 3 महीने से हो गया। कड़ाके की ठंड में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ग्राम नटवारा में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया, बेहोशी की हालत में फर्श पर बिछे गद्दों पर पड़ी रही महिलाएं। क्राइम ब्रांच ने देर रात 2 अवैध शराब फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध शराब मिली, आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा। ट्रक ने कुचला बाइक सवारों को, एक बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत, एक को किया रेफर, नगर पालिका के कर्मचारी था मोहित शर्मा। शासकीय रुनघान खालसा प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग 20 साल पुरानी, इस स्कूल के कमरों में सांपों ने बनाया डेरा, उनके अवशेष कमरों में देखने को मिलते हैं, छात्र और शिक्षक दहशत में। कल ही मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है, ये रुनघान खालसा में जो है पहले विद्यालय नहीं था, जो विद्यालय चल रहा था वो अनुदान प्राप्त संस्था थी, वो संस्था के सभी कर्मचारी रिटायर होने पर वो संस्था हो गई थी, तो तत्पश्चात ये बंद बना रहा क्योंकि बच्चों की दूरी को। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने चंबल की शान कही जाने वाली बंदूकों को जमा करने का निर्देश जारी किया, यही वजह है कि लाइसेंस की बंदूक को लोग लाइन में लगकर थाने में जमा करा रहे हैं। मोहना जिले में जो यहाँ है लाइसेंस की जमा करने की कार्रवाई अभी तक बंद है, कुल जो हथियार है उसमें 700 और नियंत्रण हमारे थाना प्रभारी। अंडरब्रिज बनाओ समिति द्वारा अंडरब्रिज बनाने के लिए 35 दिनों से चल रहा धरना समाप्त, प्रशासनिक अधिकारियों के निवेदन पर धरने से उठे आमजन। आज आप धरना स्थल पर पहुंचे हैं और क्या आश्वासन देकर आज यहां पर धरना स्थगित किया गया है, विस्तार से बताएं। ये धरना प्रदर्शन ये प्रदेश में नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का निर्वाचन चल रहा है। उज्जैन सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने लोगों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील, कहा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने मध्य प्रदेश में दे दी है दस्तक, हमें उस पर विजय पाना है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जो गाइडलाइन निर्देश प्राप्त हुआ है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण को लेकर कलेक्टर का बयान, कहा 752 करोड़ की विस्तारीकरण योजना के तहत युद्ध स्तर पर चल रहा काम। सर बताइए भविष्य में महाकाल विस्तार योजना के तहत क्या सेवा दी जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष रहेगा? महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना में जिसमें मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर उज्जैन में भी पुलिस मुस्तैद दिखी, पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। देखिए जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और जो गृह विभाग का आदेश आया है उसके तहत जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और ओमिक्रॉन खासतौर पर जो वेरियंट के बढ़ते हुए मामले दिख रहे हैं उसको देखते हुए। अमरपाटन में मझगवा धान खरीदी केंद्र में किसानों का पैसा ना आने से किसान परेशान, किसानों का आरोप, समिति प्रबंधक के द्वारा धान की पूरी गुणवत्ता देखकर ही धान ली गई थी। किसानों के पास बहुत समस्या है, बेटियों की शादी है, लड़कों की बारात है और किसान परेशान है क्योंकि शासन के द्वारा उनको पैसा सही टाइम में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ के सभी सेवक जो प्रबंधक है जो ग्रुप समूह जो है। मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध पन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर करने वाले 8 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 89 किलो गांजा जब्त। उन्होंने कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा, शासन द्वारा उसके अनुसार हम लोगों ने उसका।
नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएम सहित कई पार्षद पहुंचे थाने। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था विवाद। कल जोड़ा तालाब क्षेत्र में हुआ था नगर पालिका अमले से विवाद। रीवा की लोकायुक्त टीम ने आज सतना जिले के चित्रकूट में नगर परिषद के सीएमओ को 1,00,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीएमओ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांगे थे पैसे। बिना अनुकंपा नियुक्ति का मामला नगर परिषद चित्रकूट से कर्मचारी जिसमें वहां का जो मुख्य नगर परिषद अधिकारी कृष्णपाल सिंह उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के एवज में मुझसे 1,00,000 रुपए दिए। बेमेतरा में 4 माह पूर्व एक युवती की मौत का खुलासा। हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेरे में से की थी 2 आरोपियों ने युवती की हत्या। 13 अगस्त को नंदा थाना क्षेत्र में एक अधजली लाश मिली थी जिसको लड़की को अज्ञात थी, तो इसी पर से हमारे द्वारा 302 का प्रकरण नंदा थाने में कायम किया गया था। तो इसकी डबरा में ग्वालियर झांसी हाईवे के बाद झोपड़ियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। बुड्ढी आग लग गई थी आपकी झोपड़ियों में? आग लग गई, मैं घर पे नहीं थी, मेरे बच्चे घर पे नहीं थे। निया नाना तरफ थे मायापुर राजापुर, धंधा करने के लिए गए थे। यहाँ झोपड़ी थी, एक बच्ची को छोड़ गई थी मैं 16-17 साल की। डबरा में ही उपार्जन केंद्रों पर फसल की तुलाई न होने से भारतीय किसान यूनियन ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। मांगों को पूरा करने की अपील करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को